दिल्ली पश्चिम में एसआरए योजना के तहत पुनर्वसन का कार्य कर रहे सेठ या बिल्डर झूठे शिकायतकर्ता से है परेशान। इसी संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर वसन सेठिया और उनके वकील ने अपना पक्ष रखा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये जो मेरे ऊपर में एफआईआर हुई है, मुझे अभी पता चला कि मेरे पे जो एफआईआर हुई है, जो फॉल्स एफआईआर है, जिस आदमी को मैंने देखा ही नहीं, राजेश सावन जी करके जो कोई नाम है, मैं ना उनको देखा, ना कभी मिला, ना मेरी कोई उनसे डील हुई है कभी, ना उन्होंने मेरे को कभी देखा। और उनका कहना है कि उन्होंने मेरे को मेरे ऑफिस में आकर के मुझे रुपये दिए, वो भी कैश में दिए। तो कैश का पहली बात तो ना उनके पास कोई प्रूफ है और ना मैं कभी उनसे मिला हूँ। कंप्लीटली फॉल्स एफआईआर है। और इसके पहले उन्होंने बुरीवली कोर्ट के अंदर में भी ये एक फर्स्ट एफआईआर की थी, जिसके अंदर में उनका कहना है मैंने पैसा दूसरे को दिया, और अभी इस एफआईआर में बोल रहे हैं मैंने पैसा बसंत सेठी को जी को दिया। एक्चुअली ये खाली मेरा नाम खराब करने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया। उनका कहना है कि मैंने कोई फ्लैट बुक कराया था, पुराना जो डेवलपर था यहाँ पे पराग शाह करके, उसके थ्रू से मैं आपके पास आकर के आपको पैसा दिया, अभी उनका ऐसा बोलना है। और ओल्ड एफआईआर जो उनकी अभी भी जिसकी कोर्ट में डेट पेंडिंग है, उसके अंदर में उनका कहना है वो पैसा मैंने अल्बर्ट जी को दिया था और अल्बर्ट के थ्रू से मैं वसंत सेठिया को मिला था। तो उनका पूरे और पुरानी एफआईआर के अंदर में अभियुक्ति दूसरे है और इसके अंदर में पूरा अभियुक्ति दूसरे है, सब उन्होंने चेंज कर दिया है। पूरा का पूरा नाम खराब करने के लिए पूरा मैनिपुलेट किया जा रहा है। नहीं, मैंने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। आज इसी के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूं कि पहले आप लोगों के सामने थोड़ा क्लियरेंस हो जावे और उसके बाद में उनके ऊपर में एक्शन लेने के लिए मैं सीपी को मिलने वाला। पता नहीं उनको, पुलिस वालों को भी शायद कुछ भी नहीं बताया कि पुराना केस, पुराना मतलब एफआईआर किया हुआ है। उनको भी अंधेरे में रखते हुए इन्होंने ये नया एफआईआर कर दिया। कितने पैसे पर आरोप लगा रहे हैं, कितने पैसे दिए? हाँ, कुछ 25-30 लाख रुपए का आरोप लगा रहे वो, कि एक उनका कहना है कि मैंने, और उनका कहना है 87 लाख का टोटल। उनका कहना है कि मैंने स्लम में रूम लेने के लिए वसंत सेठिया को पैसा दिया। पहली बात तो पत्रकार उनको पता होना चाहिए कि स्लम में रूम नहीं लिया जाता है, वो कानूनी अपराध है। सोसाइटी का जो क्रिएशन हुआ है 2005 में हुआ है, और 2005 से लेकर के ऐसे न्यूसेंस हमारे सामने आए, और ये मैटर जय भारत सोसाइटी का हाईकोर्ट में दो बार चालू, और ऐसे ही पत्रकार लोग, ये राजेश सावन को तो मैं 2005 से आज तक कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा हूँ, लेकिन अभी साहब ने जो बताया, साहब का इन्वॉल्वमेंट आया है 2005 में, हमारी सोसाइटी बनी है, और 2008 में LI आई है, 2012 में जो पराग शाह डेवलपर थे उन्होंने काम नहीं कर सके, इसलिए हमने टर्मिनेशन लेटर दिया। सारे में हियरिंग होने के बाद 20/5/2012 को उनको टर्मिनेट कर दिया गया और राज आर्किटेक्ट को लाया गया। राज आर्किटेक्ट आने के बाद साहब उसके अंदर एज ए पार्टनर एंट्री हुई, उनके आने के बाद हमारी स्कीम आगे बढ़ी, और 2013 में CC आई और आज 1.5 साल के अंदर बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये टोटली जेलसी है, ये जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन के मामले में ये सब किया जा रहा है। सेठिया बिल्डर का नाम, राज आर्किटेक्ट का नाम खराब हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे कांदीवली वेस्ट में ये स्लम एरिया बहुत ज्यादा है, वह सारे की स्कीम बहुत ज्यादा आने वाली है और हो भी रहा है। तो ये कंपटीटर नेचर के हिसाब से एक दूसरे को डिफीट करने के लिए ये साजिश किया है, और राजेश सावन अकेला आदमी नहीं कर सकता। राजेश सावन एक पत्रकार, मामूली पत्रकार है जैसे उसके लगता है, और इसके पीछे कोई न कोई इसके पीछे बड़ी हस्ती लगी है, चाहे वो डेवलपर लॉबी का हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जस्ट टू डिफेंड द नेम ऑफ सेठिया साहब। उनके कंपनी में मैं
लाइजनिंग का पूरा कामकाज मैं देखता हूँ। मैं सिर्फ इतना मुझको कहना है कि ये जो भी राजेश सावंत है, ये केवल बसंत सेठिया और सेठिया ग्रुप्स ऑफ कंपनी का नाम खराब करने के लिए, और ये एक षड्यंत्र रचा गया है ताकि बसंत सेठिया का एक जो एक प्रचलित नाम है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट या ये आप बिल्डिंग लाइन में आप देखो तो एक ब्रांड है बसंत सेठिया, और सेठिया जो कंपनी है एक अच्छी ब्रांड है, इसका नाम चलता है। इस नाम को खराब करके, इस नाम को इतनी बुरी तरह खराब करना, इतनी बुरी तरह ये मीडिया के माध्यम से इसको चलाए, प्राइवेट लिमिटेड पे गिरे। इस क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो स्लम रिहैबिलिटेशन यानी स्लम के डेवलपमेंट पर बहुत सारा स्कोप है, और इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई भी बिल्डिंग बनी है बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छा प्रगतिशील तरीके से कोई चीज बनी है तो ये बिल्डिंग और ये सोसाइटी को डेवलप किया है, वो भी सेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने राज आर्केड के साथ मिलजुल के ये काम किया है, और ये चीज दिखने लगी है ना, और लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि नहीं भैया ये तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपर है, तो लोग इनसे बेझिझक जुड़ेंगे और इसमें इनको स्कोप है, सेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे भविष्य में बहुत स्कोप है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसको टारगेट करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। इस समय मेरे हाथ में दो कॉपियां हैं, एक वो कॉपी जिसके आधार पे एमएसीआर फाइल करने का प्रयास किया है राजेश सावंत ने, और एक वो कॉपी है जिसके आधार पे कांदिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल हो चुकी है। 8/2/2016 को राजेश सावंत ने एक एलिगेशन फाइल किया था, उसमें उन्होंने 7 लोगों को आरोपित किया थे, राजू सावला थे, अल्बर्ट कस्टिलोनो थे, जेपी शर्मा जी थे, उषा राजेंद्र गवित थी, उनके अलावा 2 जन और थे, आर्किटेक्ट सुरेश गायकवाड़ भी थे और पराग शाह जो मुख्य अभियुक्त है इसके वो भी थे। उसके बाद उस एलिगेशन को वो एलिगेशन के तहत पे पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की, कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो वो एमएसीआर उन्होंने फाइल किया कोर्ट में, और वो कोर्ट में फाइल करने के बाद बिल्कुल एफिडेविट लगा के उन्होंने सारी चीजें बताई और वो कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने इसमें आरोपी बनाया था। ये देखो यहां पे लिखा है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें पराग शाह के चीफ प्रमोटर हैं और जेपी शर्मा जो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी है, ये 7 लोगों के ऊपर उन्होंने एक एफआईआर दाखिल करने का प्रयास किया एमईसीआर के माध्यम से। मुझे ऐसा पता लगा है क्या मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया था 2012 में, अभी तक तो मुझे नहीं पता था क्या मेरे ऊपर केस दर्ज है। मुझे बसंत सेठिया ने एक बार फ़ोन करके बताया कि आपके ऊपर भी दर्ज है, लेकिन कुछ नहीं था मेरे ऊपर, और ना मैं राजेश सावंत को जानता हूँ, ना वो मुझे जानता होगा, और ना कभी उसने मुझे पैसा देने के लिए कभी आया है। अगर वो मुझे अभी जानेगा तो शायद आपके माध्यम से मुझे जानेगा मेरा शक्ल, और ना मैं उसका शक्ल जानता हूँ, ना मैंने कभी उसको देखा है। लेकिन ये झूठा आरोप लगाकर हम लोग का सोसाइटी को बदनाम करना, हमारे बिल्डर को बदनाम करना या पूरा इसको बदनाम करना मेरे ख्याल से बहुत गलत है। शायद मुझे लगता है कि उसको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, उसके लिए वो ऐसा करता होगा, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा फ़ोन भी आया था क्या आप सेटल कर लो, लेकिन मैंने ऐसा कोई इंटरेस्ट बताया नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ना कभी मैंने देखा है, ना कभी उसको। किसका फ़ोन आया?